तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि हम यहाँ पे रुके हैं नगरासू में, और यहाँ पे गुरुद्वारा है दमदमा साहब के नाम से। तो यहाँ पे आपको रहने के लिए अच्छी सुविधा मिलेगी और आपको लंगर भी खाने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छी जगह है, आराम से रह सकते हो आप यहाँ पे आके। तो दोस्तों, आगे का हम जो डेस्टिनेशन है हमारी, आज हम सीधा जाएंगे गोविंद घाट, वहाँ पे रुकेंगे और ट्रैकिंग शुरू कर देंगे आज अगर पॉसिबल हुआ तो। बाकी जो यहाँ पे हम रुके हैं ना, इतना अच्छा व्यू ना यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया व्यू है। पीछे मेरे देखिए भाई साहब, क्या व्यू है। देखिए ऊपर बादल एकदम से नजर आ रहे हैं आपको, पहाड़ के नीचे नीचे आ रहे हैं वो। और भाई साहब, जो नीचे नदी बह रही है ना, औसम लग रही है, औसम। और बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ से, देख सकते हो आप कितना बढ़िया लग रहा है। मौसम भी, वेदर भी अच्छा है, लेकिन धूप निकल रही है इधर से, सूरज देखते निकल रहे हैं बाहर। दोस्तों, अभी चलते हैं यहाँ से, लंगर खाते हैं और माथा टेकते हैं गुरुद्वारा साहिब में, और यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। तो चलो मिलते हैं आपको सीधा आगे। तो दोस्तों, अभी हम निकल रहे हैं गुरुद्वारा साहिब से, अभी हमारा हम सीधा पहुंचेंगे गोविंद घाट। यहाँ से रोड गिर गए नीचे, बैठ गई सारी रोड। तो दोस्तों, अभी हम चमोली पहुंच चुके हैं, ये चमोली की मार्केट। गोचर भी लिखा है ये। मेन मार्केट गोचर, तो भाई साहब ये मेन गोचर है, गोचर। कहीं कहीं पे चमोली लिखा, कहीं कहीं पे गोचर लिखा, तो सर हमें नहीं पता ये गोचर है। गोचर चमोली, गोचर चमोली, गोचर चमोली है। छोटा सा झरना,
बड़ा सा रोड। यहाँ पर नया रास्ता बन रहा है, ये रास्ता खराब हो चुका है सारा, तो उसे सीधा सीधा रास्ता बना रही है, खराब हो चुका है। देखो कितना ट्रैफिक जाम लगा हुआ है और रोड भी बहुत नैरो है और हमारे राइट साइड पे नीचे जा रही नदी, वहां से हम आए पुल क्रॉस करके। यह है कर्णप्रयाग, दोस्तों रास्ता बंद करके रखा हुआ, आगे कुछ काम चल रहा है तो ये रास्ते में इन्होंने रस्सी बांध के रखी हुई है, लैंडस्लाइड वगैरह हुई होगी तो वही काम चल रहा आगे। दोस्तों अभी रास्ता क्लियर हुआ है तो देखो कैसे लाइन से मोटरसाइकिल आ रहे हैं, पीछे गाड़ियां भी आ रही हैं। लगभग एक घंटे से खड़े हैं हम यहाँ पे और ट्रैफिक तो और भी बहुत ज़्यादा जाम हो गई होगी। देखिए दोस्तों कैसे गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हैं। बाइक का ये फ़ायदा होता है कि मतलब आराम से निकल जाते हैं, बाइक का ये बेनिफिट होता है, हम जैसे राइडर लोगों को ये बेनिफिट होता है कि हम बाइक लेके आराम से निकल जाते हैं, जो जिन लोगों के पास गाड़ी होती है वो फंस जाते हैं ऐसे लाइन में लग के। ये देखिए जैसे ये भाई साहब तो कितनी खतरनाक लैंडस्लाइड हुई है, पेड़ के पेड़ टूट के नीचे आ गए हैं सारे, उससे ज्यादा नीचे आ गया सारा का सारा पहाड़ी नीचे आ गया। तो में कहीं रुके हैं तो छांव मिली थी तो यहाँ पे रुक चुके हैं, थोड़ा सा थक गए थे बाइक चला के, तो अभी यहाँ पे एक बिस्कुट ब्रेक ली है, खाते हैं फिर चलते हैं आगे। पत्थर वेखो भाजी कि पत्थर।
किया, थोड़ी सी ब्रेक लिया भवानी स्ट्रीट फूड पे, यहाँ पे पकौड़े और चाय खाते हैं और खा के फिर निकलेंगे आगे। तो चलिए चलते हैं अंदर खाते हैं। तो हमने ऑर्डर किए हैं पकौड़े, मिक्स पकौड़े ऑर्डर किए हैं और समोसा ऑर्डर किया था, वो भाई साहब ने खा भी लिया, हम अभी खा ही रहे हैं। तो अभी खाते हैं, टेस्ट तो बढ़िया है, तो देखते हैं अभी और क्या क्या खाते हैं। तो दोस्तों पकोड़े तो हमने खा लिया, वो बहुत टेस्टी थे। अभी हम ये नूडल बन रहे थे पास में, तो सोचा वो भी टेस्ट करके देख लेते हैं उत्तराखंड में क्या क्या अच्छा था, वो खा के पता चलेगा। तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे खा के। भाई साहब नूडल खा के मुंह में लगने लगी मिर्चे, तो भैया ने हमारे लिए है कुछ मिठाइयाँ, तो खाते हैं इनका टेस्ट देखते हैं। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम पीपल कोटी से, पेट भर चुका है खा खा के, अब चलते हैं आगे। बहुत मन लगाते और खूब खाया हमने, इतना खा लिया ना मतलब क्या ही बताएं, मतलब जो जो देखने में अच्छा लग रहा था हमने सब कुछ ट्राई किया, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर हम पकौड़ों को देंगे, पकौड़े बहुत ज्यादा टेस्टी थे। तो भाई साहब रोड देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, और व्यू देखो सामने का कितना बढ़िया वाला, सब कुछ अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन ये जो जाम है ना, ये अच्छा नहीं चल रहा, ये बहुत खराब है। कम से कम 2 घंटे से हम इसी लाइन में लगे हुए हैं। वो देखो वहाँ से चले हम, वहाँ पे जाम लगा, वहाँ से चले हैं और यहाँ तक पहुँचते हमको कम से कम 3-4 घंटे लगे हैं। देखो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत झरना है। तो लगभग हम पहुंच चुके हैं, यही रास्ता है गोविंद घाट गुरुद्वारा जी में जाने का, रास्ता छोटा सा है, एक रास्ता ऊपर की तरफ चला जाता है, वो जाता है सीधा बद्रीनाथ को, आपने उतर नहीं जाना, सीधा नीचे की तरफ आना है, गोविंद घाट गुरुद्वारा इस साइड है।
पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा गोबिंदगढ़ में।